सिंह साहब की, भाई मुझे ना बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे कोई बात भी नहीं सुनाई आपने। बड़ी बात है साकिब भाई। अरे जिमी, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली। मुझे खुद इतनी बड़ी हैरानगी हो रही है यार, तुम इतने बड़े घमंडी थे और मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। मुझे तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है तुम्हारी। ओहो बस कर जो यार साकिब भाई, एक तो आपसे मैंने माफ़ी मांगी, ऊपर से आप मेरे पे शक कर रहे हो। हद है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। नहीं, मैं तो वो बस वैसे ही यार। यार एक तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, एक बिल्कुल डफर है, आगे हटी नहीं, हारन भी मारो। जाहिल के जाहिल लोग हैं यहाँ पे सारे, बिल्कुल आप पे किए हैं साकिब भाई। तुम्हें तो एक हर उल्टी चीज़ में मैं ही नजर आता हूँ। अच्छा आओ यार, आगे जाके बैठ के कुछ खाते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ चलो चलो। यहाँ पर ही आगे टेबल देखते हैं, कोई भी वहाँ पे बैठते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे धूप है, यहाँ उधर आगे छाँव पे बैठने, आगे आ जाओ। और चलो मैं आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, आगे ही आ जाओ। अच्छा तो बताएं साकिब भाई, क्या खाएंगे? कुछ भी मंगवा लो यार जिमी, मैंने थोड़ी ना पैसे देने हैं। यार एक तो आपको हर वक्त पैसों का ही रोना रहता है, मैं ही दे दूंगा यार, पैसे मैं ही लेकर आया हूँ आपको खिलाने के लिए। आप बताओ जी खाना क्या है? अरे जिमी यार, वैसे पिज्ज़ा खाने का दिल कर रहा है। हाँ वैसे पिज़्ज़ा खाने का मेरा भी दिल कर रहा है, पिज़्ज़ा ही मंगवा लेते हैं। हाँ पिज्ज़ा ही मंगवा लो यार। अच्छा रुको 2 मिनट, मैं वेटर को आर्डर देता हूँ। वेटर किधर है यार? तो वेटर यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, जरा वेटर को आवाज़ देना। वेटर 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 जी सर, क्या लेंगे आप? यहाँ वेटर 2 पिज़्ज़े ले आओ, इटालियन देसी या अमेरिकन? यहाँ इटालियन ले आओ। स्मॉल मीडियम या लार्ज? यहाँ 2 मीडियम ले आओ। कौन सा फ्लेवर, फजीता वेजिटेबल या चीज़? यहाँ फजीता ले आओ। यहाँ फजीता में स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? अबे स्पाइसी ले आ यार। स्पाइसी में ब्लैक पेपर या रेड चिली? अबे जा ना यार, लेके आ यार, कोई भी ले आ, जा तो ले आ। अच्छा अभी लाया सर। लो जी पिज़्ज़ा तो आ गया, फटाफट ठूसो और बताओ क्या बात करनी थी आपने। पहले तुम बताओ ना, तुमने क्या बात करनी थी? नहीं नहीं पहले आप बताओ। पहले तुम बताओ। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। अच्छा यार मैं ही बता देता हूँ। हाँ बताओ जल्दी बताओ, क्या बात करनी थी यार वो बात ये करनी थी, जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो टुन्ना, वो चरसी, वो पोडरी। हाँ समझ गया था, जो पहला नाम बोला था मैं समझ गया था, आगे बोलूँ। वो गाड़ी उसने चुराई है। कौन सी गाड़ी यार? वो उषी भाई की गाड़ी, लेक्सस LC 500, उस दिन चोरी हो गई थी ना, रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी ना, वो रॉन्ग नंबर जो उसने कॉल की थी ना, वो तुम्हारा दोस्त टुन्ना था। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हो? मुझे 101% यकीन है, मेरे पास सबूत भी हैं। जिस जगह मैंने गाड़ी पार्क की थी कल, मैं उसी जगह गया था और वहाँ पे लगा CCTV कैमरा भी मैंने चेक किया था, और मैंने 20,000 सिक्योरिटी गार्ड को भी दिए थे वो फुटेज दिखाने के लिए, और वो फुटेज में साफ नज़र आ रहा था वो तुम्हारा दोस्त टुन्ना वो गाड़ी लेकर जा रहा था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। ओ अच्छा, तो ये बात है। और हाँ जिमी, वो तुम्हारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा। उससे पहले तो वो गाड़ी छीननी है मैंने, फिर उसका खून करना है, कत्ल करना है, और मैं तुम्हारे कहने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। शाकिब भाई वो मैं कह रहा था कि कत्ल करने की क्या ज़रूरत है शाकिब भाई? नहीं जिमी, ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा उसको। अच्छा खैर वो तो देखा जाएगा, तुम्हारे ये बताओ तुमने क्या बात करनी थी मुझसे ज़रूरी? वो मैं बता दूँ? नहीं रहने दो, एक काम करो, वेटर आएगा ना उससे मशवरा करो, फिर बताना मुझे, सही है? अच्छा पहले आप प्रॉमिस करो पापा को नहीं बताओगे। ऐसा क्या है यार, बताओ तो सही यार। वो पता है क्या, मुझे तुमने ने आपको ब्लैकमेल किया था ना, उसमें मैं भी उसके साथ शामिल था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो जिमी, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बस बस बस, ज़्यादा ड्रामा नहीं करो, यही हकीकत है, इसी को फेस करो। यार जिमी कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर यकीन नहीं आ रहा फिर तो और भी अच्छा है, ना यकीन करो, मेरा काम था आपको सच बताना। क्या मतलब है जिमी, यार तुम उसके साथ शामिल होके मुझे कैसे फंसा सकते हो जिमी? तुम्हारे बारे में तो मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा निकलोगे। नहीं जिमी नहीं, मैं तुमको माफ़ नहीं करूंगा इस पर। यार साकिब भाई प्लीज, मैंने आपसे सॉरी बोलना है ना यार साकिब भाई। यार जिमी वो सॉरी तुमने बदतमीजी पर बोला यार, लेकिन ये बदतमीजी नहीं है। साकिब भाई प्लीज यार, साकिब भाई देखिए, अगर मुझे एहसास ना होता अपनी गलती का तो मैं आपके पास आता ना, आपको सच बताता ही ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है ना यार साकिब भाई प्लीज, जब तुमने आपके साथ बदतमीजी स्टार्ट की ना, उसके बाद से मुझे एहसास हो गया कि चुनना गलत है, और मैं भी उसके साथ मिलके बहुत गलत करना था।
अब प्लीज हाकी भाई मान जाओ यार प्लीज, और पापा को खुदा का नाम है मत बताना। नहीं नहीं जिमी ये मत बोलो यार, तुम्हारे बाप को बताना पड़ेगा मुझे। प्लीज हाकी भाई, अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हाकी भाई मत बताना, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पापा के सामने। तो तुम ऐसे करतूत ही मत करते ना यार जिमी, तुम्हें पता है यार कितने महंगी गाड़ी थी और मेरे सर पे कितना 8,35,00,000 का कर्जा चढ़ गया, कैसे दूंगा मैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा ना चाकी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कर्जा आपका शाना उतर जाएगा, आप उसकी फिक्र मत करो, आप बस प्लीज पापा को मत बताना। अच्छा खैर यार, मैं तुमको ये बताना चाहता था कि तुम टुन्ने से दूर हो जाओ, वो लड़का ठीक नहीं, उसकी नज़र माइकल भाई के शोरूम पे है। लेकिन साकी भाई मेरे से एक और बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या गलती कर दी? वो क्या नाम है, टुन्ने के साथ मिलके मैं पापा के पास चला गया और पापा ने उसको शोरूम पे रख लिया, वो आज शोरूम आएगा काम के लिए। अरे यार जिमी यार, मेरा दिल कर रहा है ये पिज्जा उठा के तुम्हारे सर पे मार दूं। नहीं खाना तो ऐसे ही नहीं, तो मैं भी आपके हिस्से का खा लूंगा, फेंकने की क्या जरूरत है। अबे यार जिमी क्या उल्टे पुल्टे तुम काम कर रहे हो, एक तो उस लड़के की पहली नीयत खराब है, ऊपर से तुमने शोरूम पे उसको रख लिया काम के लिए। चाकी भाई कोई प्लान बनाओ यार, उसको निकालते हैं शोरूम से। नहीं नहीं उसको निकालने का प्लान नहीं बनाना, उसको मारने का प्लान बनाना है। चाकी भाई आप मारोगे यार? मेरी बात गौर से सुनो जिमी, उसकी नीयत शुरू से ही खराब है, वो तुम्हारी और तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी को हजम करना चाहता है, हड़पना चाहता है, और वो अपने मामा का बदला लेना चाहता है। शिमियोन का बदला? हाँ वो बदला लेना चाहता है, और ये सारा मैंने अंदाजा उसी दिन से लगा लिया था जिस दिन रेस इवेंट पे तुमने उसको इनवाइट किया था। और अब मेरी बात तुम गौर से सुनोगे, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैंने उसको गोली से उड़ाना है, ये मैंने कसम खा दी अपने फैन से भी कि मैंने उसको मारना है। पर कैसे मारोगे आप उसको, और पापा को मैं क्या बताऊंगा कि वो टुन्ना किधर गया? यार वो बात की बात है, वो हम माइकल भाई को समझा लेंगे। आज अगर टुन्ना काम पर आ रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम टुन्ने को लेकर आओ किसी बहाने से बीच पर। अच्छा फिर? और याद रखना वही लेक्सिस में आना चाहिए टुन्ना। अच्छा वही लेक्सिस? हाँ जो चुराई थी वो, उसे वापस लेनी है हर हाल में। ठीक है मैं समझ गया मैं समझ गया। बॉस किसी भी तरह से उस बीच पर तुम उसको ले आओ, फिर आके देखो मैं उसको कैसे फंसा के गोली से उड़ाता हूँ। फिर जैसे ही वहाँ पे शाम होगी ना, थोड़ा इंतजार करना, उसको बातों में बहलाना, शाम होगी लोग आके पीछे होंगे ना, ऊपर से मैं आ जाऊँगा, मैं वहाँ पर आके उधर ही उसके भेजे में गोली मार दूंगा और फिर उसकी लाश उधर ही सामने समुद्र पे फेंक देंगे। वाह ये तो मेरी नाइस प्लान है। हाँ नाइस प्लान है ना, बस फॉलो करो तुम। ठीक है साकिब भाई मैं समझ गया। हाँ यार आज वो गैलेक्सी शोरूम में जाना है, जिमी ने बुलाया था मुझे। माइकल अंकल आज इंटरव्यू लेंगे, किस पे जाऊँ, अपनी लेक्सिस पे चला जाऊँ? नहीं यार जिमी ने मना किया था यार, शौकिया ना हमारी लेक्सिस पे, कहीं शक ना हो जाए, तो अपनी 125 खड़ी है। नहीं यार ये भी तो जिमी ने गिफ्ट किया है भाई, इसी पे ही जाऊँगा, आज पहला दिन है, बस किसी तरह कामयाब हो जाऊँ, माइकल अंकल मुझे शोरूम में रख लेना, फिर देखो आगे मैं कैसे प्लान बनाता हूँ, फिर तो बस 2 या 4 दिन के अंदर अंदर पूरा शोरूम अपने नाम करके दिखाऊंगा, देख लेना। अगर 4 दिन के अंदर अंदर बाप और बेटे को सड़क पे ना लेकर आए, मेरा नाम भी हसान नहीं है भाई, आखिर भांजा किसका हूँ, सिमियोन का भाई। इतनी जल्दी तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, बस देखते जाओ यार मैं करता क्या हूँ जिमी और उस माइकल के साथ। बस एक छोटी सी रुकावट है यार, वो गंजू, वो साकिब गंजू साला टकला किसी तरह मेरे रास्ते से हट जाए ना, फिर बाजी अपने हाथ में है, बस एक बार वो गंजू साला रास्ते से हट जाए। खैर आज तो पहला दिन है, आज बस थोड़ा अपना भरोसा कायम करना है किसी भी तरह से। बस साला डर इसी बात का, उस गंजू को मुझ पे शक ना हो जाए, अगर उस गंजू को मुझ पे शक हो गया ना फिर काम खराब है भाई। खैर यार अभी शोरूम तो मैं पहुंच गया हूँ, जिमी तो नज़र नहीं आ रहा, टकरू भी नज़र नहीं आ रहा, मोटरसाइकिल इधर ही खड़ी कर देता हूँ, जिमी की लैम्बोर्गिनी तो इधर ही खड़ी हुई है यार, चलो जाकर देखता हूँ, माइकल अंकल से बात करता हूँ, उन्हीं से पूछ लेता हूँ जिमी किधर है, वो साला बेवकूफ़ इंसान, उससे बड़ा बेवकूफ़ कसम से मैंने कहीं भी नहीं देखा। जितना फंसाना उसको आसान है ना, किसी को फंसाना आसान नहीं है। खैर यार अभी बात करते हैं माइकल अंकल से। अस्सलाम वालेकुम माइकल अंकल। वालेकुम अस्सलाम हसन, आ गए हो यार तुम, वेलकम। जी माइकल अंकल मैं आ गया हूँ, जिमी की नज़र नहीं आ रहा माइकल अंकल। यार जिमी बाहरी कहीं काम से गया होगा, तुम थोड़ा वेट करो वो आ जाता है।
ठीक है माइकल अंकल, वैसे मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। चलो ठीक है, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ ना काम से, तब तक जिमी भी आ जाए, फिर तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ठीक है माइकल अंकल, मैं वेट कर लेता हूँ। ओके तो यार, जब तक जिमी आ जाता मैं इधर ही खड़ा होता हूँ। ये सामने गाड़ी खड़ी है, इसी को थोड़ा रिपेयर मारता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई, काम तो वैसे मुझे आता नहीं है, झूठ ही बोला था। ठीक है साकिब भाई, फिर मैं चलता हूँ, आप उधर पहुँच जाना, ठीक है? हाँ मैं उधर पहुँच जाऊँगा टाइम से, बस तुम उसको लेकर आओ, हाँ शाम होने से पहले पहले उसको लेकर आओ। बस आप फिक्र ना करें, मैं बस लेके आया उसको ही, मेरा काम है। चलो यहाँ लेके आता हूँ उस टुन्ने को, टुन्ने का तो आज आखिरी दिन है, शोरूम में पहला दिन है और ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वैसे अच्छा है यार जान छुटे, मुझे तो उसकी नीयत पहले भी ठीक नहीं लग रही थी, उसकी बातों से पता चल रहा था यार, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ यार, उसकी बातों में आता रहा, जो वो कहता मैं भी करता रहा, मेरी गलती है सारी। अरे यार एक तो ये लोग जो है ना साले अंधे हैं, अंधे, पता भी है गाड़ी आ रही है यार, नहीं पीछे नहीं हटना ना, इन्होंने पीछे नहीं हटना भाई, इनकी किस्मत में गाड़ी के आगे मरना है बस। आज वैसे भी टुन्ना शोरूम में आया ही होगा, जाके उसको पकड़ता हूँ और किसी बहाने से उठा के ना उस बीच पे लेके आता हूँ, फिर आगे वो जाने शाकी पहचाने। वैसे यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था यार, सिमियोन का भांजा है, जैसे सिमियोन हरामी है उसका भांजा भी हरामी होना था, लेकिन क्या करता है यार, मेरा पुराना दोस्त है वो, स्कूल का दोस्त है मेरा वो, पता है आपको स्कूल लाइफ से हम दोनों साथ पढ़ते रहे हैं। वैसे उसके साथ मिल के मैंने यार बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ की हैं, मतलब होटिंग बोटिंग, बच्चियों का छेड़ना, ये वो सारा उसी से सीखे हैं, बेचारे का लास्ट दिन है। दुख तो हो रहा है यार, टुन्ना आज मर जाएगा, लेकिन यार अच्छा है जान छुटे यार, हमारे शोरूम पे गंदी नज़र डालने वाले के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अगर शाकिब भाई ऐसा ना करते ना तो मैं काट देता, अगर मुझे पता चलता कि उसकी नीयत ख़राब है। चलो खैर देखते हैं क्या होता है आज शाम को। ये इधर ही खड़ा है, ये देखो जरा गाड़ी रिपेयर कर रहा है, इसको किसने बोला रिपेयर करने के लिए, बाप का शोरूम समझा हुआ है इसने अपने। सब्र करो, इसको जाके जरा किसी बहाने से लेके जाता हूँ। अरे वाह यार टुन्ने, तू आ गया। हाँ जिमी यार तू आ गया, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वाह यार तू तो आते ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी है, क्या हुआ पापा ने इतना टेस्ट ले लिया क्या? अरे नहीं यार जिमी, वो कह रहे थे बस जिमी आए उसके बाद लूँगा मैं। शुक्र है तू आ गया यार जिमी, और वो गंजू की तरह नज़र नहीं आ रहा सारा टकला। उसको छोड़ यार, आज तेरा पहला दिन है यार, तू आते ही काम तूने स्टार्ट कर दिया यार। छोड़ यार काम शाम होते रहेंगे, पापा तेरा टेस्ट भी ले लेंगे, पहले एक काम करते हैं बाहर जाते हैं। बाहर किधर जिमी? बाहर घूमते हैं यार, थोड़ा चाय शाय पीते हैं, छूटा छूटा मारते हैं, समझा कर यार, पहला दिन है यार। हाँ जिमी चलते हैं, सही कह रहे तू। हाँ तेरी लेक्सीज किधर है? लेक्सीज तो मैं नहीं लाया जिमी, तू बोला था ना यार शक हो जाएगा, तो मैं लेक्सीज नहीं लाया, वही 125 में आया हूँ जिमी। अबे यार लेक्सीज लेके आ, उस पर जाएंगे यार, 125 में क्या मज़ा आता है। हाँ ये बात भी है, चल ठीक है तुरुप में लेके आता हूँ। हाँ जल्दी से ले यार, जल्दी से। ओके जिमी। क्या बात है जटा, क्या बात है, क्या बात है जटा, क्या बात है। चलो यार घूमने जाएंगे भाई, पहले दिन ही मज़े हो गए रे। आजा जिमी आजा। हाँ आया आया। चल यार टुन्ने, लेक्सीज कैसी चल रही है तेरी, फिट चल रही है ना? जिमी यार टिकटॉक फर्स्ट क्लास पप्पू चल रही है जिमी। क्या बात है यार टुन्ने, तेरे भी मज़े हो गए हैं वैसे। यार जिमी मेरा पता है क्या दिल करता है, जो तेरे पास है ना वो लैम्बोर्गिनी, मेरा दिल करता है मैं वो रखूं जिमी। अच्छा तो मेरे बाबू को लैम्बोर्गिनी चाहिए? हाँ जिमी लैम्बोर्गिनी चाहिए मुझे। चल यार टुन्ने तुझे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी भी दे दूंगा, बता क्या याद रखेगा। सच में जिमी सच में? हाँ फिक्र ना कर, बस घूम के चलते हैं ना वापस, फिर लैम्बोर्गिनी मैं तुझे दे दूंगा। वाह जिमी। मैं गाड़ी ध्यान से चला। ओहो सॉरी सॉरी, वो एक्साइटमेंट हो रही थी ना इस वजह से यार, लैम्बोर्गिनी बड़ा शौक था मुझे जिमी यार। तुमने तो ये बता तुझे हाया भूसा चाहिए? ना कर जिमी, चाहिए ना यार।
तू एक काम कर, वो 1 to 5 होंगे दे दे, मेरी हायाबुसा भी तू रख ले, सही है? यार जिमी तू मजाक कर रहा है, तू मजाक कर रहा है ना जिमी? जान तुमने अगर मजाक करता मैं तुझे लेक्सी देता, 1 to 5 देता। यार जिमी तू रुलाएगा क्या है? तू आज मुझे रुलाएगा? यार तुमने, तेरे लिए कुछ भी, यार तू मेरा बचपन का दोस्त है, कुछ भी तेरे लिए। जिमी यार वाह यार, वैसे एक बात बताऊं? हाँ बता। अच्छा बाद में बताता हूँ यार, अभी बता किधर जाएं? इधर ही यार, इधर आगे चला जाएंगे, उधर कोने पे जाए यार, इधर काफी ज्यादा लोग है ना। अच्छा वो आगे जाएं? हाँ आगे जाएंगे, हाँ इस तरफ बस आगे, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर, हाँ यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दे, आगे जाके सुट्टे छुट्टे मारते हैं यार, एंजॉय करते हैं पानी को, सुट्टे वगैरह मारते हैं, बच्चियाँ ताड़ते हैं, गपशप भी मिखाते हैं ना। हाँ जिमी उधर आ, पानी की तरफ ही जाते हैं। हाँ चल आ जा, आ जा। आ रहा हूँ जिमी, आ रहा हूँ। आ जा साले कमीने इंसान, तुझे मैं लैम्बोर्गिनी देता हूँ अपनी, सबर कर तू, बड़ा आया फरमाइशी इंसान, मतलब ही शाना हरामी, अभी थोड़ी देर बाद इसको खुद ही पता चल जाएगा। जिमी यार बस कर जा, पानी से डर लगता है मुझे। नहीं यार तो सही, आके ही तो आना। हाँ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे चल यार, सुट्टा मारते हैं इधर। बता क्या कहने वाला था तू मुझे? जिमी यार वो मैं कह रहा था कि मेरा बड़ा दिल करता है मेरा अपना शोरूम हो जिमी। अच्छा फिर? वो बस जिमी यार, बस मैं तुझे कह रहा हूँ कि मेरा अपना शोरूम हो ना तो बहुत अच्छा है जिमी। अच्छा चल यार, शोरूम में मैं तेरे नाम कर दूंगा, और बता। यार सच में? हाँ हाँ सच में, तुमने यार तो अपना दोस्त है भाइयों जैसा यार, तुमने, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे पता है? जिमी यार तू मेरी जान है जिमी, तुझे तो पता है तू मुझे कितना अजीज है, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुझे तो पता है ना जिमी? हाँ तूने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत कुछ, मुझे पता है। बस जिमी याद रखी, ये मौका सही है यार, लोग भी कम हो गए हैं, शाम भी हो रही है, यही सही मौका, जाके उसको ठोक देता हूँ। यार थोड़ी बहुत नर्वस फील हो रही है क्योंकि कभी किसको मारा नहीं है ना यार, बस दुआ करो मेरे हाथ ना कांपे उसको मारते वक्त। हो आज शुरू में पहला दिन है और जिंदगी का आखिरी दिन, हो बेचारा टुन्ना, गलत इंसान के साथ गलती होता है भाई, दिल करता है यहाँ पर ये भी ठोक दूँ इसके भेजे पे। वो अबे चर्सी पोटरी इधर पीछे देख, कौन है बे, कौन है? अबे साले गंजू तू किधर से आ गया? जिमी यार ये गंजू कहाँ से आया है, इसको किसने बुलाया जिमी? ये तो छोड़ बेटा, तू अभी मेरा बेटा है, जहाँ पर तेरी सोच खत्म होती है ना बेटा वहाँ पर मेरी सोच शुरू होती है। जिमी जिमी ये क्या बकवास कर रहा है जिमी, और इसके हाथ में गन क्यों है? तूने घबरा मत, घबरा मत, कुछ नहीं कहता, ये पानी वाली पिस्तौल है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं कहेंगे तुम्हें, जरा सा भी दर्द नहीं होगा। क्या मतलब है तेरा, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम जिमी, तू क्यों हंस रहा है, ये क्या हो रहा है? तूने फिक्र ना कर यार, फिक्र ना कर। जिमी इस गंजू को बोलो गन ले, नहीं तो इस भिखारी को मैं मार दूंगा। अबे साले तुझे तो मैं अभी एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। नहीं, साला चर्सी पोटरी भिखारी, मुझे बोलता है भिखारी साला। शाकिब भाई बस 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 करें, बस करें यार, पुलिस ना आ जाए। साला भिखारी चोर, तेरा मामा भी ऐसी कुत्ते की मौत मरा था माइकल भाई के हाथ से, और तेरी मौत मेरे हाथ से हुई है। शाकिब भाई इसकी लाश उठानी पड़ेगी यहाँ से। और इसकी लाश उठाता हूँ मैं अभी यार, समुद्र में फेंकता हूँ। जिमी तेरी हो मैं यार उसकी लाश फेंक दूँ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। बोल बोल चर्सी, बोलता नहीं अब बोल। चलो यार जल्दी जल्दी उसकी लाश फेंक देता हूँ। बस यहाँ पे ठीक है, इधर ही सड़ बल जाएगा यार, हड्डियाँ इसकी मिलेंगी यहाँ से, मछलियाँ वगैरह खा जाएंगी उसको। हम तो चलें यार, भागें इधर से जितनी जल्दी हो सके। चलो जिमी चलो चलो, आ जाओ साकी भाई, आ जाओ, भागो भागो।
जल्दी आओ शाकी भाई। आ रहा हूँ। चलो यहाँ टूटने का तो काम तमाम हो गया, जल्दी गाड़ी में बैठते हैं, इलाके से निकलते हैं यार, किसी ने देख ना लिया हमें। भगाओ जमी। हाँ भगाना पड़ेगा तुझे। निकालो गाड़ी जितनी जल्दी हो सके। हाँ निकाल रहा हूँ। हो बताओ जिमी फिर कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा? चौकस दिया शाकिब भाई, चौकस। मुझे तो मालूम नहीं था आपको गन भी चलाने आती है। और जिमी तुम अभी मुझे जानते किधर हो? बहुत पहुंची हुई चीज़ों में, बहुत पहुंची हुई। अच्छा अभी शोरूम पहुंचते हैं पहले, यहाँ तो होगी है। और अभी तुम शोरूम जाओगे? छोड़ो यार। क्यों किधर जाना है? अरे यार सेलिब्रेट करते हैं यार, हमारे दुश्मन को आज हमने ठिकाने लगाया। सेलिब्रेट करें? हाँ लेके जाओ उधर ही अपने अड्डे पे यार, चाय शाय पीते हैं। चलो ये भी ठीक है यार, सेलिब्रेट कर लेते हैं। वैसे साकिब भाई मुझे दुख हो रहा है। दुख किस बात का? साकिब भाई मेरे बचपन का दोस्त था वो। बचपन का दोस्त था तो उसकी नीयत भी तो देखो ना, जिसकी नीयत ख़राब हो ना उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। हाँ ये बात तो है, इससे पहले कि वो हमारा कुछ बिगाड़ता हमने उसका ही अल्लाह ख्याल चलना काट दिया। ये तो तुम मेरा एहसान मानो। हाँ बार बार ये मत बोलना मेरा एहसान मानो। अच्छा चलो आओ उधर जाते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, चाय शाय पीते हैं। हाँ चलो आ जाओ। बताओ जिमी सुकून मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हाँ सुकून तो मिल रहा है। आपको पता है वो मुझे क्या कह रहा था? क्या? अभी हाथी हमारे गाड़ी में कह रहा था लैम्बोर्गिनी चाहिए। ना करो, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना यार उसकी नज़र है। और उसने ये भी बोला था शोरूम मेरे नाम कर दो। मैंने कहा फिक्र ना कर यार, शोरूम मैं तेरे नाम कर दूंगा। बेचारा, आइंदा अगर तुम्हें नसीहत हुई ना तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करना, समझ आई है? पहले वो जमीला के झमेले में तुम फंस गए थे और अभी टुन्ने ने तुम्हें फंसा दिया था। तुम्हें बिना जमी ठोकर खा के भी असर नहीं होता। अभी कल को किसी और की बातों पे आ जाओगे, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। ओह नहीं आता यार, अब इतना भी क्या गुजरा नहीं हूँ मैं, इंसान को ठोकर लगने से ही समझ आती है ना। अब बस थोड़ा एहतियात रखना क्योंकि अभी माकुर भाई का बिजनेस बहुत ऊंचा जा रहा है, दुश्मन बड़े आएंगे। हाँ ये तो मालूम है मुझे। बस मेरे साथ बना के रखो, जो भी मुश्किल आएगी मैं सामना कर लूँगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे माइकल भाई के शोरूम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरे साथ सिंसियर रहना है। अच्छा साकिब भाई सॉरी यार, मैं समझ गया हूँ। बस फिर ठीक है।